أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप कह दीजिए, मैं सुबह के परवरदिगार की, सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम के तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरे के शर से, जबकि वो छा जाए, और गिरहों में पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से, जबकि वो हसद करने लगे। कुरान करीम की ये सूरत है जिसका नाम है सूरह फलक, और उसके बाद एक दूसरी सूरत है जिसका नाम है सूरह नास, जिसको हम हर नमाज में अक्सर पढ़ा करते हैं। इन दोनों सूरतों को मुअव्विज़तैन कहा जाता है। वैसे बाद लोग मुअव्विज़तैन पढ़ते हैं, जो गलत है। इन दोनों सूरतों को उलमा और अहले इल्म अपने दरमियान मुअव्विज़तैन के नाम से जानते हैं। अरबी जुबान में मुअव्विज़तैन कहते हैं पनाह देने वाली दो सूरतें। ये दो ऐसी सूरतें हैं जो इंसान को अल्लाह ताला की हिफाजत में दाखिल कर देती है। गोया इंसान दुनिया के तमाम मसाइब और तमाम हालात से अगर बचना चाहे तो इन दो सूरतों की अगर तिलावत कर ले तो वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। वैसे ये दो जो सूरतें हैं वो एक साथ नाजिल हुई आसमान से। जब ये दोनों सूरतें उतरी तो एक साथ और एक खास वाकये के तहत में इसको बारी ताला ने उतारा है। और अल्लाह ताला ने इन दो सूरतों को क्यों उतारा, तो इसका शान नुज़ूल है, सबबे नुज़ूल जिसको कहा जाता है, कि अल्लाह ताला ने इन दो सूरतों को उतारा तो उसकी क्या वजह बनी, उसकी क्या इल्लत हुई कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दो सूरतों को उतारा। इसके शान नुज़ूल को सुनने से पहले आप जानते हैं कि यहूद इस दुनिया में जो आबाद है वो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन कौम है। खुद कुरान करीम ने कहा है कि इंसान का इस कायनात में सबसे बड़ा दुश्मन अगर इंसान में से कोई हो तो यहूद, वो इंसान का और इस उम्मते मुस्लिमा का सबसे बड़ा दुश्मन है यहूद, जो ये चाहता है कि इस्लाम कैसे मिट जाए और मुसलमान कैसे खत्म हो जाए। इनकी ये सोच आज से नहीं बल्कि 1400 साल तारीख से पहले ही उनकी ये सोच रही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नहीं गए थे, मक्कतुल मुकर्रमा में आप 13 साल रहे, जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके आप मदीना मुनव्वरा जा रहे थे तो मदीना की सियासत पर, मदीना की मईशत पर, दोनों पर अगर किसी का कब्जा था तो यहूद का कब्जा था। गोया मदीना में अगर किसी की हुकूमत चलती थी तो यहूद की हुकूमत चलती, और मदीना में अगर किसी के पास मालो दौलत और किसी का सबसे बड़ा कारोबार हो तो यहूद का कारोबार था। खुद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे थे तो उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हुकूमत और सियासत अगर किसी की चलती तो यहूद की चलती। उसकी असल वजह यह थी कि यहूद उस वक्त मदीना में आबाद थे, और यहूद के साथ साथ अरब के दो बड़े कबीले भी आबाद थे जिनको औस और खज़रज कहा जाता था। ये इन दोनों कबीलों को यहूद के लोग आपस में लड़ाया करते थे, जिसकी वजह से औस और खज़रज आपस में बहुत लड़ते थे। इतना लड़ते थे कि उनके लड़ने के वाकियात ये यहूद के पास जाते थे, और यहूद के उलमा ये उनके वाकियात का फैसला किया करते थे। उनके तनाज़ुआत के दरमियान में हल की शक्ल निकाला करते थे कि आपके झगड़े को कैसे खत्म किया जाए, तो वो यहूद के उलमा लड़ाते थे भी थे, और लड़ाने के बाद उन्हें सुलह भी करा दिया करते थे, जिनकी वजह से यहूद का नाम था। और उनकी मईशत इतनी आम थी कि यहूद के अलावा मदीनतुल मुनव्वरा में जो मुसलमान आबाद थे और हजरत के लोग आबाद, उनको अगर अपना सामान बेचना होता था तो उनको यहूद की मंडियों में जाना पड़ता था, यहूद के बाजार में जाना पड़ता था। यहूदियों के बाजार में जाते तो उनका सामान बिकता था, वरना उनका सामान भी नहीं बिकता था।
और जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर यहूद के अलावा औस और खजरज के लोग जो आबाद अंसार जिन्होंने अल्लाह के रसूल की मदद की, वो लोग असल में फितरत के एतबार से ज़राअत पेशा लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। उनके पास ज्यादा मालो दौलत नहीं था, उनके पास खेती करने के लिए अल्लाह ने जमीन दे रखी थी तो उसी में वो खेती किया करते थे। तो खेती करने के लिए कभी पैसे की भी जरूरत पड़ती तो वो लोग पैसा लेने के लिए यहूद के पास जाते थे और यहूद के लोग उनको पैसा देते थे तो यहूदी लोग सूद पर पैसा देते थे। और बात सीरत की किताबों में लिखा है कि यहूद के लोग उनको जब पैसा देते थे तो इस शर्त पर पैसा देते थे कि आप अपनी लड़की को या अपनी बीवी को या अपनी बेटी को हमारे पास रहन के तौर पर गिरवी रखो तो हम आपको पैसा देंगे, वरना आपको पैसा भी नहीं देंगे। इस तरीके से गोया मदीना के अंदर पूरा तसल्लुत अगर किसी का था तो यहूद का था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में आए, जैसे ही अल्लाह के रसूल की आमद मदीनतुल मुनव्वरा में हुई तो यहूदियों की चौधराहट खत्म हो गई, यहूदियों की सियासत खत्म हो गई, यहूदियों की मईशत ये खत्म हो गई, जिसकी वजह से यहूद बड़े गुस्से में आ गए कि अल्लाह के रसूल आए जिसकी वजह से हमारी हुकूमत भी खत्म हो गई, हमारी मईशत भी खत्म हो गई। बल्कि हुजूर के आने से पहले सीरत निगारों ने और तारीख निगारों ने लिखा है कि यहूद उनका मदीना के लोगों पर दीनी एतबार से भी गलबा था, इतना गलबा था कि मदीना की औरतें और मदीना में बसने वाले लोग ये तमन्ना किया करते थे अगर हमारा बेटा पैदा होगा तो हमारे बेटे को हम यहूदी बनाएंगे, इतना उनका दीनी गलबा था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना बर्दाश्त नहीं किया, हसद की आग उनके अंदर भड़क उठी, उनके अंदर हसद आ गया कि ये आदमी मदीना में क्यों आया, ये आया तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सारा बना बनाया निजाम उस पर उन्होंने पानी फेर दिया। इसलिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने लगे। कभी ऐसा हसद करते कि अल्लाह के रसूल को मारने की प्लानिंग बनाए, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने के लिए प्लानिंग बनाए, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने की कोशिश करते, ये पूरे के पूरे प्लानिंग वो करते थे। बल्कि रिवायत में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे तो मदीना में जाने से पहले आपने कूबा नामी एक जगह पर क़याम फरमाया, वहाँ आप 14 दिन या 24 दिन वहाँ ठहरे। जब अल्लाह के रसूल मदीना में दाखिल होने से पहले कूबा के अंदर 14 या 24 दिन रहे तो यहूद के एक बड़े आलिम कबीले बनु नजर के एक बड़े आलिम और सरदार जिसका नाम हुयै बिन अख्तर है, उसको ये बात मालूम चली कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक आदमी आया है जो नबी होने का दावा करता है। तो वो अपने भाई को साथ में ले गया, अबू यासिर बिन अख्तब को। ये दोनों भाई कुबा के अंदर पहुंचे मस्जिद कुबा में, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। जब रात के वक्त वहाँ पहुंचे तो पूरी की पूरी रात उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी, क्योंकि वो यहूदी थे, तौरात का इल्म उनके पास था, वो जानते थे कि जो आखिरी नबी आएगा उनके कैसे कैसे औसाफ होंगे, उनकी क्या निशानियां होगी। इसलिए ये दोनों भाई पूरी रात वहां गुजारे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे हुलिये को देखा, आपकी तमाम के तमाम उन निशानियों को देखा जो तौरात के अंदर मौजूद थी, तो वो जान गए कि वाकई में सच्चा नबी है। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद हुयै बिन अख्तब और इसी तरीके से उनका भाई अबू यासिर बिन अख्तब, ये दोनों घर को रवाना हो गए। जब घर को पहुंचे तो ये दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे। अबू यासिर बिन अख्तब ने हुयै बिन अख्तब से पूछा कि क्या वाकई में ये वही नबी है जिसकी आखिरी नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तस्लीम ने पेशिनगोई की थी? तो कहा कि हाँ ये वही नबी है। तो कहा कि क्या तू उसको मानता है, क्या तू उसको तस्लीम करता है? तो कहा कि हाँ जैसे मानता हूँ कि आखिरी नबी है। तो फिर अबू यासिर बिन अख्तब ने हुयै बिन अख्तब से पूछा, यहूदी ये आपस में बातें कर रहे, पूछा कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप उसके बारे में क्या अमल और क्या रवैया इख्तियार करेंगे? तो हुयै बिन अख्तब ने कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा वहां तक उसके साथ दुश्मनी करते हुए जिंदा रहूंगा। हालांकि वो जानते थे कि अल्लाह के रसूल
दोनों भाई यहूदी आपस में बातें कर रहे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी दी, वहां तक मेरी जिंदगी का हर लम्हा इसकी दुश्मनी में गुजरेगा, मैं उसको मानने वाला नहीं। तो कहा कि मैं भी इसी तरीके से जिंदगी गुजारूंगा। और उस वक्त हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो कि उनके वालिद होते हैं, ये हजरत हुए बिन अख्तर, उस लोग को तमाम की तमाम बातों को सुन रही थी। इसलिए मैं इस किस्से से कहने का मेरा मकसद ये है कि यहूद अल्लाह के रसूल को नबी समझते थे कि ये वाकई में सही नबी है, वाकई में ये आखिरी नबी है, इनके अलावा अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। लेकिन वो लोग अल्लाह के रसूल को जिद, इनाद और हसद की वजह से आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं। खुद कुरान करीम में सूरह बकरा में है कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, अल्लाह के रसूल की नबूवत को, आपके नबी होने को वो ऐसा जानते थे जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को जानता है। एक बाप जानता है कि मेरा बेटा है, क्यों, मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, इसलिए वो जानता है। इससे ज्यादा यहूद अल्लाह के रसूल को नबी जानते थे कि नहीं, ये नबी लेकिन मानते नहीं, जानते थे लेकिन मानते नहीं। आज भी ऐसा है, इनके पास इल्म है, इल्म जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज, वो जानते थे लेकिन मानते नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम के बारे में आता है, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ये यहूद के बड़े आलिम थे, बाद में वो ईमान ले आए। जब वो ईमान ले आए तो एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने उनसे पूछा कि अब्दुल्लाह इब्ने सलाम, अल्लाह के रसूल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कुरान खुद कहता है कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि यहूद अल्लाह के रसूल को ऐसा जानते हैं जैसा एक बाप अपने बेटे को जानता है। तो कहा कि इतना नहीं, बल्कि जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को जानता है, इससे ज्यादा मैं अल्लाह के रसूल को जानता हूँ कि अल्लाह के रसूल वाकई में अल्लाह के नबी। तो कहा कि क्यों? इसलिए कि जब एक बाप की अपने बेटे के बारे में जानता है कि मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ है, तो उसमें यकीन तो होता है, लेकिन उस यकीन में शक भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बीवी ने किसी के साथ ताल्लुक कायम किया, उस ताल्लुक के कायम करने की बुनियाद पर उसके पेट के अंदर नुस्खा फरार पा गया हो और फिर बच्चा पैदा हुआ हो। आप तो ये जानते हैं कि ये आपके नुस्खे से पैदा हुआ है, लेकिन एक शक है, एहतमाल है कि हो सकता है कि आपकी बीवी ने जीना करवाया हो जिसकी वजह से एक नुस्खा पेट में रहेगा अगर बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन उसमें शक है। लेकिन मुझे तो अल्लाह के रसूल होने में इतना भी शक नहीं, आप तो वाकई में अल्लाह के रसूल। जब हजरत उमर के सामने अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने यह बात कही तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम की पेशानी के ऊपर बोसा दिया और कहा कि वाकई में आप सच कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के वक्त के सच्चे नबी हैं। फिर यहूद क्यों मानते क्यों नहीं? वो इस वजह से नहीं मानते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हजरत इब्राहिम, एक हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के एक बेटे का नाम हजरत याकूब, जो हजरत यूसुफ के वालिद होते हैं, और हजरत याकूब को इसराइल भी कहा जाता है। तो तमाम के तमाम नबी जो हजरत इब्राहिम के बाद आए वो हजरत याकूब की नस्ल से आए। तमाम अंबिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम भी आए तो वो हजरत याकूब की नस्ल में आए। इसलिए हजरत याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों से जो नस्ल चली तो तमाम के तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा तो वो हजरत याकूब की नस्ल से भेजा। तो ये यहूदी लोग जो कि बनू इसराइल के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि याकूब का नाम भी इसराइल था इसलिए उनको बनू इसराइल कहा जाता था, तो वो ये समझते थे कि आखिरी नबी जो आएगा वो भी बनू इसराइल में से आएगा, वो भी बनू याकूब में से आएगा, वो भी हजरत इसहाक की औलाद में से आएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा गया तो वो बनू इस्माइल में भेजा गया, हजरत इसहाक और हजरत याकूब की औलाद में नहीं भेजा गया, बल्कि किस में भेजा गया? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में उनको भेजा गया। जैसे यहूद को पता चला कि ये हजरत इस्माइल की औलाद में से आए तो उन्होंने कहा कि हम इसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों अल्लाह ताला ने हमारी नस्ल में से आपने नबी को नहीं भेजा? जब तमाम अंबिया को भेजा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक और हजरत याकूब की औलाद में भेजा, जब आखिरी नबी को भेजने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल में भेजा, हम उनको मानने के लिए नबी नहीं मानेंगे। ये यहूद की फितरत, जैसे दुनिया में बाज लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर खूबसूरती रहे तो हमारे खानदान में रहे, अगर माल और दौलत रहे तो हमारे खानदान में रहे, किसी और में होना नहीं चाहिए। यहूद की फितरत थी कि नबूवत का सिलसिला अगर जारी रहे
तो हमारे खानदान, हमारे खानदान के अलावा किसी और में अल्लाह ताला ने नबी भेजा तो उसको मानने के लिए, तो यह हसद था उनका, इसी हसद की वजह से उन्होंने अल्लाह के रसूल पर जादू किया। बल्कि बाद होता तो यहूद ये कहा करते थे कि जिब्राइल की गलती हो गई कि वो वही लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गया, वरना वही तो हमारे खानदान में से किसी आदमी के पास आनी चाहिए। इसी वजह से बात किया, ये भी कहते हैं कि जिब्राइल कितने बेकार किस्म के लोग हैं, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो जिब्राइल से दुश्मनी किया करते थे, कि जिब्राइल बहुत गलत उसने काम किया कि उसने वही को अल्लाह के रसूल के पास भेजी, हालांकि हमारे खानदान में भेजनी चाहिए। ये उनको हसद था, इसी हसद की वजह से इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। और इसी जादू का तोड़ कुरान करीम की इस आयत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद ने जादू कर दिया। अब क्या जादू किया, जादू की क्या शक्ल थी? जादू की शक्ल ये थी कि खैबर के यहूद ने एक मदीना के अंदर एक जादूगर था, बड़ा मशहूर था, जिसका नाम था नबी बिन आसम, जो जादू करने में बड़ा माहिर था, बहुत इतना माहिर था कि खैबर के यहूद ने एक मर्तबा आकर उससे कहा कि देखो, हम बहुत मर्तबा कोशिश कर चुके हैं अल्लाह के रसूल पर जादू करने, लेकिन हमारा कोई जादू ये कारगर और मुफीद साबित नहीं होता, हर जादू ये खत्म हो जाता है, उसका कोई असर हुजूर पर होता नहीं। आप जादू में बड़े माहिर, हम आपको 3 दिरहम देते हैं, 3 दिरहम उस जमाने में बड़ी कीमत रखता था। इसलिए नबी बिन आसिम ने कहा कि हाँ, मैं जादू करने के लिए तैयार, जादू कर लूंगा। और ये नबी बिन आसिम था वो कबीले बनू जुरैक से ताल्लुक रखता था, और कबीले बनू जुरैक ये अनसार की एक शाख है, और ये मदीना का एक कबीला था, और ये मदीना के लोगों में से था, यहूद में से नहीं था, लेकिन यहूद का ये खलीफ था, यहूद का ये मुआविन था, यहूद के साथ उसका एक तरह का एग्रीमेंट हो चुका था कि मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, जब तुम्हें अल्लाह के रसूल से तकलीफ पहुंचानी हो तो मुझे से बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये लबीद बिन आसम था, और लबीद बिन आसम खुद तो जादूगर था, अपनी बेटियों को भी उसने जादू सिखला दिया था, अपनी बच्चियों को भी उसने जादू सिखला दिया था। एक मरतबा उसने यहूदी ने अपने एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मुफस्सिरीन ने अब्दुल कुद्दूस लिखा है, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि तू अल्लाह के रसूल की खिदमत कर, और खिदमत करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कंघी से अपने सर के बाल को संवारा करते हैं, जिस कंघी से हुजूर अपनी दाढ़ी के बाल ये संवारा करते हैं, उस कंघी के दंडाने को ले आना, उस कंघी को भी ले आना, और कंघी के दंडाने को भी ले आना, और उस कंघी में हुजूर के जितने बाल आ जाए उस तमाम के तमाम बाल को हमें भेज देना। तो ये यहूद की तरफ से भेजा हुआ एक आदिम था, वो हुजूर की खिदमत करता था, उसने मौका पाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कंघी से अपने दाढ़ी के बाल और अपने सर के बाल को संवारा करते थे, उस कंघी को यहूद के पास भेजा, उसके दंडाने को भी भेजा, और उस कंघी के अंदर हुजूर की दाढ़ी और हुजूर के सर के कुछ बाल थे वो भी यहूद के पास भेज दिए, और यहूद ने सारी की सारी चीजें लबीद बिन आसम के पास भेजी। तो लबीद बिन आसम ने ये किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कंघी को, उसके दंडाने को, और उसके अंदर आपके सर के बाल को जमा किया। जमा करने के बाद उसको नर खजूर के सीगूफे के पर के अंदर उसको रखा, यानी खजूर के उस गिलास में उसको रखा जिस गिलास के अंदर खजूर पैदा हुआ करते हैं। खजूर होते हैं तो डायरेक्ट खजूर नहीं होता, खजूर होता है तो खजूर के ऊपर एक कवर होता है, एक पर होता है, उसके अंदर महफूज होते हैं। तो उस पर के अंदर उसने उस कंघी को भी रखा, कंघी के साथ साथ हुजूर के उस बाल को भी रखा, और उसके दंडाने को भी रखा। और बाद रिवायात के मुताबिक उसने कमान की ताक, एक जो कमान होती है तीर और उसकी कमान, और कमान के अंदर डोरी लगी होती है, उस डोरी को मंगवाया, और डोरी के अंदर उसने 11 गिरहें लगाई, 11 गांठ उसने लगाए। एक एक गांठ को बांधता जाता और कुछ पढ़ता जाता, फिर एक एक गांठ को कुछ बांधता जाता, फिर कुछ पढ़ता जाता। वो खुद भी पढ़ता था और उसकी बच्चियां, उसकी बेटियां थी वो भी पढ़ती जाती थी और फूंक मारती जाती थी। यहां तक के 11 के 11 गिरहें उसके अंदर लग गई। 11 के 11 गिरहें लगने के बाद उसको कबीले बनू जुरैक के अंदर एक कुआं, जिसका नाम बिरेजी अरवान था, उस कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे इसको दफन कर दिया। और बाद रिवायत में आता है कि यहूदी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पुतला बनाया,
मोम का एक पुतला बनाने के बाद हुजूर का जैसा शक्ल सूरत थी वैसा एक पुतला बनाया। एक पुतला बनाने के बाद उसके अंदर 11 सुइयां जोड़ी, 1, 2, 3, हर सुई को लगाते वक्त कुछ न कुछ मंत्र पढ़ता जाता और हुजूर पर जादू किया करता था। जब वैसे भी जादू जब करते हैं तो जादू वो उन चीजों पर होता है जिसका ताल्लुक जिस्म से हो, ऐसी चीज से होता है जो जिस्म से लगी हुई हो या इंसान उसको एक मरतबा इस्तेमाल कर चुका हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें या मर्द हो तो अपने दाढ़ी के बालों को दफन किया करें, अपने सर के बालों को दफन किया करें, अपने नाखून को भी काटने के बाद दफन किया करें, क्योंकि जादू इस पर हुआ करता है। इसीलिए बाद उलमा ने लिखा कि अगर दाढ़ी का बाल गिर जावे तो उसको तोड़ दिया करो, क्योंकि जब टूट जाएगा तो फिर उस पर जादू नहीं हो सकता। इसलिए यहूद ने उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। अब हुजूर पर जादू किया तो जादू का असर क्या हुआ? जादू का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर इतना हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को किया नहीं होता था लेकिन आप ये समझते थे कि हाँ मैंने वो काम कर लिया है। आपने खाना नहीं खाया होता था लेकिन आप ये समझते थे कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। आपने पानी नहीं पिया होता था लेकिन आप ये समझते थे कि मैंने पानी पी लिया है। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ये हुआ था कि अन्नहु यरा यातिन निसा वलम यातिहिन, कि अल्लाह के रसूल ये समझते थे कि मैंने अपनी बीवियों के साथ सोहबत कर ली है हालांकि आपने जिमा और सोहबत नहीं की, बस ये आप पर जादू का असर हुआ। और बाद रिवायत में आता है आप पर जादू का असर ये भी हुआ था कि हर वक्त आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि मुझे किसी आदमी ने बांध दिया है, हर वक्त बोझ महसूस होता था जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते। बस ऐसा हर वक्त आपको लगता था कि आपको किसी ने बांध दिया है रस्सी के जरिए से, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल जब भी घर में आते तो बहुत परेशान हुआ करते। बस हुजूर की बात पर जादू का इतना असर, जादू की वजह से आप पर ऐसा असर नहीं हुआ कि कारे नबूवत पर असर पड़े, अल्लाह की तरफ से भेजने वाले अहकाम में फर्क पड़े, ये असर नहीं होता था। किसी भी वक्त के नबी पर अगर बड़े से बड़ा जादूगर भी अगर जादू कर दे तो जादू का इतना असर होगा कि दुनियावी कामों में आप पर फर्क पड़ सकता है लेकिन दीनी कामों में अल्लाह के रसूल पर और वक्त के किसी भी नबी पर असर नहीं पड़ सकता। ये जादू की वक्त के नबियों के साथ खासियत थी कि जादू का इतना असर होता था कारे नबूवत पर और दीनी कामों पर उसका असर नहीं पड़ता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इतना असर पड़ा। जब ये जादू हो गया तो अल्लाह के रसूल खूब अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हमारे घर आए, रात को मेरे घर आए जिस दिन हुजूर की मेरे यहाँ बारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे और अल्लाह से रो रो कर मांगा कि अल्लाह मुझे पता नहीं चलता क्या बीमारी लग गई, हर वक्त ये महसूस करता हूँ किसी ने मुझे बांध दिया है और कोई काम किया नहीं है फिर भी लगता है कि वो काम मैंने कर लिया है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की रिवायत में दहा व दहा तीन तीन मरतबा रिवायत में हजरत आयशा फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी तीन तीन मरतबा, जिससे हजरत ज़करिया नवर अल्लाह मरकदू फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी, जिससे एक बात मालूम होती है अगर किसी इंसान पर जादू हो गया हो तो जादू का सबसे बड़ा तोड़ ये भी है कि अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उस जादू के तोड़ का उसके लिए कोई जाहिज रास्ता निकाल देंगे, जैसे अल्लाह के रसूल ने यहाँ रो रो कर दुआ मांगी। अल्लाह के रसूल ने रो रो कर दुआ मांगी, फिर आप सो गए। जैसे ही आप सो गए तो ख्वाब के अंदर दो आदमी आए, वो दो आदमी नहीं थे दो फरिश्ते थे। दो फरिश्ते ख्वाब के अंदर आए, एक फरिश्ते आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास आकर बैठ गया और एक फरिश्ता आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के पास आकर बैठ गया और जो सर के पास बैठने वाला फरिश्ता था उसका नाम हजरत जिब्राइल और पैर के पास जो बैठे थे वो हजरत मिकाईल थे। अल्लाह के रसूल सो रहे ख्वाब में, वो दोनों फरिश्ते आए, हजरत जिब्राइल ने हजरत मिकाईल से सवाल किया कि इनको क्या हो गया है, इनको क्या तकलीफ हुई, तो हजरत मिकाईल ने कहा कि इन पर जादू कर दिया गया। फिर हजरत जिब्राइल ने पूछा किसने जादू किया,
तो कहा कि नबी बिन आसम ने जादू किया है। फिर हजरत जिब्राइल ने पूछा कि किस चीज ने जादू किया है, तो कहा कि कंघी और कंघी के दंडालों में और उसमें से निकलने वाले बालों में उसने जादू किया। तो कहा कि कहाँ इसको दफन किया है। जिब्राइल ने फिर पूछा मीकाईल से, तो हजरत मीकाईल ने कहा कि इसको बिग्रे जी अरवान, ये बिग्र अरबी जुबान में कुएं को कहते, जी अरवान नामी कुएं में इसको दफन किया। वहां एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे नर खजूर के शिगुफे के अंदर इस कंघी को, उसके दंडान को और हुजूर के बालों को वहां दफन कर दिया गया है, वहां जाकर इसको निकाला जाए। तो कहा कि इसकी शिफा की क्या सूरत, इसकी शिफा की सूरत ये है, उस कुएं के पानी को खत्म करो, कुएं का पानी निकालो, कुएं का पानी निकालने के बाद उस पत्थर के नीचे से जितनी भी चीजें दफन की है उसको वहां से निकालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को बेदार है, जैसे अल्लाह के रसूल बेदार हुए तो आप बहुत खुश, पहले आप तकलीफ में थे। हजरत आयशा ने पूछा क्या आप इतनी खुश क्यों नजर आते हैं, तो कहा कि मुझे मेरी बीमारी का इल्म हो गया है, मुझे मेरी बीमारी का इल्म हो गया। तो कहा कि क्या, तो कहा कि मुझे पता लग गया कि मुझे क्या बीमारी है। तो हजरत आयशा ने पूछा बताओ तो सही क्या बीमारी, तो कहा कि मुझे बीमारी है कि मुझे खुला खुला शख्स ने जादू कर, मुझे मुझ पर जादू था और उस जादू का तोड़ भी अल्लाह ने मुझे बता दिया। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखसूस सहाबा हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत जुबैर और हजरत मखसन बिन कैस को, कैस बिन मखसन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले, इन चारों सहाबा को अल्लाह के रसूल अपने साथ ले गए कि चलो जी अरवान नामी कुएं को आपने देखा है, तो कहा कि हाँ देखा है, चलो मेरे साथ। तो अल्लाह के रसूल उनको वहां ले गए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुआं देखा तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये वही कुआं है जो मुझे ख्वाब में दिखलाया गया था। फौरन ही उसके पानी को देखा तो उसका पानी पीला पड़ गया था, थोड़ा मेहंदी की तरह सुर्ख हो गया था। उसके पानी को निकाला गया, पानी को निकालने के बाद हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत जुबैर वगैरह अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद उस पत्थर को हटाया, तो पत्थर को हटाया तो वही वो खजूर का जो एक शिगुफा था, एक गिलाफ जिसके अंदर खजूर हुआ करते हैं, उसके अंदर हुजूर ने अपनी कंघी को भी देखा, कंघी के अंदर अपने बाल को भी देखा और बाल के अंदर एक टांग थी जिसके अंदर 11 गिरहे लगी हुई, 11 गांठ थी और बाद रिवायत के मुताबिक एक मोम का पुतला था जिसके अंदर 11 सुइयां चुभई गई। और उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तस्लीम नाजिल हुए और कुरान करीम की ये दोनों सूरतें लेकर उतरे। ये सूरह फलक जिसकी 5 आयतें हैं और सूरह नास जिसकी 6 आयतें हैं। ये 5 और ये 6 कितनी हो गई, 11। और उस तांत के अंदर कितनी गिरने लगी हुई थी, 11 गिरने लगी हुई थी। जैसे ही कुरान करीम की दोनों सूरतें हजरत जिब्रील सलात व तस्लीम लेकर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुल औज रब्बिल फलक को पढ़ा और एक गांठ को खोला, फिर दूसरी आयत को पढ़ा, दूसरी गांठ को खोला, तीसरी आयत को पढ़ा, तीसरी गांठ को खोला। यहां तक कि कुरान की ये 11 आयतें अल्लाह के रसूल पढ़ते गए और तमाम के तमाम गांठों को खोलते गए। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम के तमाम गांठों को खोल दिया, तमाम के तमाम गिरहों को खोल दिया, अचानक आपको ऐसा खुशी महसूस हुई, भैया आपको ऐसा महसूस हो गया कि आपको किसी आदमी ने बांधा था, अब आप उस बंधन से निकल चुके हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मारे हजरत आयशा के पास आए तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप लोगों में ऐलान क्यों नहीं कर देते कि मुझे फुला फुला यहूद ने जादू किया है, नबी बिन आसम ने आप पर जादू किया है, आप ऐलान कर देते लोगों के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ऐलान करने की जरूरत नहीं, तो क्यों, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरी वजह से किसी आदमी को तकलीफ पहुंचाई जाए, इसलिए कि अगर मैं लोगों में ऐलान कर दूं कि नबी बिन आसम ने मुझ पर जादू किया है तो मेरे वो सहाबा जो कि मेरे कहने पर अपने खून को अल्लाह के रास्ते के अंदर बहा देते हैं और मेरे पसीने की जगह को अपना खून बहाते हैं वो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे, इसलिए मैं ऐलान नहीं करूंगा। बल्कि बाद रिवायत में तो यहां तक आता है कि बाज़ सहाबा को पता लग गया था कि नबी बिन आसम ने जादू किया और अल्लाह के रसूल के पास गए कि अल्लाह के रसूल आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो हजरत आयशा का जवाब दिया था कि मैं ये बात को पसंद नहीं करता कि मेरी वजह से किसी आदमी को तकलीफ पहुंचे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी छोड़ दिया। बल्कि रिवायत में तो यहां तक आता है कि वो मुनाफिक था,
वो जादू करने के बाद हुजूर की मजलिस में भी आया करता था और हुजूर बयान करते हुजूर हजरत साहब आपको समझाते तो सामने आकर देखता था, उसके आने की वजह से हुजूर को कोई तकलीफ नहीं होती थी और उसके आने की वजह से हुजूर कोई कभी का खातिर रंजीदा नहीं होते। इसके उलमा ने लिखा कि वहासिन इला मन असा इलै, जो आपके साथ बुरा सलूक करे उसके साथ आप अच्छा सलूक कीजिए। आप जरा सोचिए, अगर आपको पता लग जाए कि मेरी जात पर फुला फुला आदमी ने जादू किया कि आप उसको छोड़े, हरगिज़ नहीं छोड़ सकते, बल्कि आप तो उसको कत्ल करने की प्लानिंग और मंसूबे बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। इसने उम्मत के लिए सबक दे रखा है कि अगर आपको पता लग जाए कि फुला फुला आदमी ने जादू किया तो आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। आपको करने का काम है कि इन दोनों सूरतों को पढ़ा जाए हर नमाज के बाद। अगर ये दोनों सूरतों को नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपका वो जादू भी अल्लाह ताला के फजल व करम से दूर हो जाएगा, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू दूर हो गया। वैसे ही फुकहा ने लिखा है, अगर आपको ये पता भी लग जाए कि पुनः पुनः आदमी ने जादू किया है, आपको ये पता लग जाए फिर भी शरीयत की रूह से आप उसको न कत्ल कर सकते हैं न आप उसको कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं। क्यों? जब तक कि आपके पास दो चीजों में से एक चीज न हो, या तो वो खुद जादू करने वाले इकरार कर ले कि हाँ मैंने जादू किया है तो फिर आप उसको सजा दे सकते हैं, या दूसरी सूरत ये कि दो ऐसे गवाह जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि हाँ इस आदमी ने, हम दोनों आदमी गवाह है कि इस आदमी ने आप पर जादू किया, सुना पुना आदमी के पास गया था और ये दोनों गवाही दे रहे हैं, तो फिर आप उसके खिलाफ कोई गलत कदम उठा सकते हैं, वरना आप उनके खिलाफ कोई कदम गलत उठा नहीं सकते। इसलिए उलमा ने यहाँ तक भी लिखा है, जो लोग आमिल अमल करते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि जो आपके पास इलाज कराने के लिए आए उनका इलाज आपके बस में हो तो इनका इलाज कर देना चाहिए। इलाज हो जाने के बाद उनको ये नहीं बताना चाहिए कि फुला फुला आदमी ने आप पर जादू किया है, उलमा ने इससे मना लिखा है, क्योंकि फिर आदमी उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से जादू किया गया और इसके जादू के तोड़ के नतीजे में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल और मिकाइल को भेजा और इन दोनों सूरतों को लेकर भेजा। और वैसे जब जादू किया जाता है तो जादू करने वाला ये बदतरीन, जादू करना ये हराम और गुनाह, और वैसे भी जादू के अंदर अगर आगे रहने वाली अगर कोई चीज है तो औरत, खिलकतन जादू से औरत को ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है। और वैसे भी आप देखते हैं, जैसे आपके शहर के अंदर हमारे शहर में जादू आम, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जादू में मुलव्वस रहने वाली अगर कोई सिंह और कोई जात है तो औरत। और उलमा ने यह भी लिखा है कि जादू उसी वक्त हो सकता है जबकि इंसान अपनी जुबान से कुफरिया कलीमा निकाले, अपनी जुबान से ऐसे बात कलीमात और ऐसे बात बोल को बोले जिसकी वजह से शैतान खुश हो जाए। और शैतान उसी वक्त खुश होता है जबकि आप अपनी जुबान से कुफरिया कलीमा निकाले, अल्लाह की जात और रसूल के खिलाफ आप कोई बातें निकाले तो शैतान खुश होता है। शैतान इतना खुश हो जाता है कि फिर इंसान के ताबे हो जाता है, इंसान के ताबे इतना हो जाता है कि इंसान जैसा कहता है वैसा फिर वो करता रहता है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जादू उसी वक्त हो सकता है जबकि कुरान करीम को औरत या कोई भी मर्द जो जादू सीखना चाहता है वो कुरान करीम के ऊपर नजासत या गंदगी को डाले, उसी वक्त वो जादू सीख सकता है, वरना वो जादू सीख नहीं सकता। इसलिए बाज़ लोग जो जादू सीखते हैं, बाज़ औरतें नंगी भी जाती हैं, वो रातों के अंदर समंदर के किनारे पर साहिल पर जाती हैं और वहां जाकर नंगे बदन बाद ऐसी हरकतें करके जिसकी वजह से उनके अंदर शैतान उनके ताबे हो जाता है, फिर वो जो कहती है वो करता है। इसलिए ये जादू ये बड़ा भयानक और बड़ा भयानक गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में कहा है कि सात हलाक करने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ, उसमें से अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा है कि जादू से अपने आप को बचाओ। वैसे जो दुनिया के अंदर लोगों पर जादू करते हैं और लोगों की जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, वाकई में वो लोग अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि जादू की वजह से दूसरे की जिंदगी पर आप एतराज कर रहे हैं, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, उसको मानो दौलत दिया, वो आपकी निगाह से देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से आप अल्लाह की जात पर एतराज कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसको जिंदगी क्यों दी, अल्लाह ने उसको मानो दौलत और खूबसूरती क्यों दी। इसलिए ये तमाम के तमाम चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हलाकत तक पहुंचाकर दम लेती है। इसलिए वैसे भी इंसान को सबसे पहले अगर जादू का इल्म हो जाए
तो आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सबसे पहले उन आमाल को करना चाहिए जो कुरान और हदीस में आए, फिर उससे न हो सके तो फिर उनके पास जाना चाहिए, वरना वहां तक इंसान को उनके पास जाना नहीं चाहिए। जैसे जादू, ये बरहक, इससे मालूम हुआ कि जादू हो सकता है, बरहक चीज में ये अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन कुरान करीम ने ये भी कहा कि जादू उस वक्त तक किसी इंसान पर अपना असर नहीं दिखलाता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। अल्लाह के हुक्म ही से जादू ये असर करता है, अगर अल्लाह का हुक्म न हो तो जादू भी असर नहीं करता। और आइंदा मजलिस में इंशाल्लाह जादू के मुतालिक और कुरान करीम की इन दो सूरतों के मुतालिक और तफसीलात को जिक्र करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अल्लाह के रसूल को कहा गया है कि नबी जी आप कहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ तमाम मखलूकात के शर से। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पैदा की जाने वाली तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला की क्या मांगी है, पनाह मांगी है। इसलिए दोनों ऐसी सूरतें हैं, अगर कोई आदमी हर नमाज के बाद दोनों सूरतों को पढ़ लिया करे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई जादू, कोई आफत, कोई मुसीबत उस पर आएगी नहीं। इसके फजाइल भी हैं जो इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में जिक्र करेंगे। सुभानअल्लाह।